किचन पे आपका वेलकम। आज मैं अंडे का हलवा बनाऊंगी, या फिर अंडे की मिठाई भी कह सकते हैं। तो 6 अंडा लिया है, हरी इलायची पाउडर 1 टीस्पून, कटा हुआ कुछ काजू और बादाम, 300 ग्राम शक्कर, 1 लीटर दूध है जिसे सुखा कर आधा लीटर कर लिया है, और घी। तो मिक्सर के जार में डालकर और अंडा डाल देंगे, शक्कर डालेंगे और घी डाल देंगे, आधा दूध डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे ग्राइंड करना है, और ये ग्राइंड हो चुका है। हम जिस भी बर्तन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें सारे को डाल देंगे। बचा हुआ दूध है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो रखेंगे, शुरू से आखिर तक लो रखेंगे। और दूध डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे कि दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, और इसे बराबर से चलाते रहेंगे। एक लगातार चलाना है, नहीं तो ये अंडे के हलवा नहीं बल्कि भुजिया बन जाएगी। तो इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अपना कलर भी आना शुरू हो गया। तो इस तरह से बादामी कलर आना शुरू हो गया और तेल भी लगना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे हरी इलायची डाल देंगे, और ये बादामी कलर आ चुका है, प्योरा वाटर डालेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जिस भी बर्तन बनाना डालना चाहते हैं, बर्फी देना चाहते हैं, तो वो घी लगा लेंगे पहले, और सारे हलवा को डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, जैसे गिलास या आलू मिक्स करने वाला, उससे अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर प्रेस कर देंगे, और इस पर गार्निश करेंगे काजू और बादाम से कटे हुए। तो और डालकर इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है, और ठंडा होने के बाद इसे कतली की तरह काट लेंगे, जैसे आप जैसा भी आप काटना चाहते हैं उस तरह से काट लीजिएगा। और इस तरह से हमने काट लिया है, और ये बर्फी बनकर तैयार है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंडे के दिनों में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।